भारत पाकिस्तान की तनातनी कोई नई बात नहीं है, ना ही ये नई बात है कि अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आता। जैसे कि अब ये हरकत, पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर अनूपगढ़ के पास बिंजोर पोस्ट पर पाक रेंजर्स की ओर से फायरिंग की गई, जिस पर सीमा सुरक्षा बल ने जवाबी फायरिंग की। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सियाग ने बताया कि शुक्रवार शाम तारबंदी के पास जीरो लाइन के पास कुछ भारतीय किसान खेती करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने घुसपैठ कर रहे दो व्यक्तियों को देख लिया। किसानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शाम 5 बजे अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से फायरिंग होने पर भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवान भी सतर्क हो गए। उन्होंने भी पाकिस्तान के रेंजर्स पर फायरिंग की। भारतीय जवानों की ओर से 18 राउंड फायर किए गए हैं। दोनों तरफ से फायरिंग बंद होने के बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद समादेष्टा तरुण कुमार गौतम व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। तभी इस मामले की जाँच की जा रही है। फायरिंग की सूचना मिलने पर अन्य भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। इस घटना के बाद बीएसएफ और पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग बताते हैं कि फायरिंग के दौरान भारत में घुसने का प्रयास करने वाले दोनों पाक नागरिक पाकिस्तान की ओर वापस भागे। दोनों तरफ से फायरिंग होने पर भारतीय किसान घबरा गए। हालांकि भारतीय किसानों या जवानों का किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। शिकरणपुर के गांव माझीवाला के पास बीएसएफ की हरमुख पोस्ट पर जवानों की बीते रविवार भी देर रात एक युवक की एक्टिविटी नजर आई थी। जवानों ने उसे रोकने के लिए कहा, वह रुका नहीं। जवानों ने उस पर फायर किए और इस दौरान एक गोली युवक को लगी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से घुसपैठ पहली बार हुई हो, ऐसा होता आया है और आगे भी सुधरने का कोई इरादा लगता नहीं है।